अस्सलाम वालेकुम, मैं रिश्की दाम एक मरतबा फिर से आप सबको खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज यहाँ पर हो गया है नया दिन, नया ब्लॉग, और आज का हमारा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। आज सुबह ही सुबह बच्चों के स्कूल टाइमिंग यहाँ पर शुरू हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद बच्चे जो है अपनी तैयारी करते हैं स्कूल की जाने की। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ इनका लंच, और आज मैं इनके लंच में बना के दे रही हूँ इन लोगों को पराठे, जो कि फ्रोज़न पराठे मैं ला के रहती हूँ और मुझे बड़ी आसानी रहती है। और जो नगेट्स वगैरह जो होते हैं बच्चों के लंच के लिए, ये मेरी कोशिश होती है कि मैं बच्चों को तमाम जो है वो लंच घर का ही जो है बना कर दूँ। तो यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ इन लोगों के लिए रोल, बच्चों के लिए बड़े शौक से खाते हैं ये लोग। और चिकन नगेट्स मैंने फ्राई कर लिए थे, पराठे भी मैंने जो है यहाँ पर फ्राई कर लिए थे विदाउट ऑयल के, बगैर घी के। ये ऑयल जो है ना उसमें नहीं लगता बिल्कुल भी। तो बस यहाँ पर ये मैं तैयार करते जा रही हूँ। केचप मैंने लगा दिया ऊपर से, मेयोनीज मैंने लगा दी ऊपर से, और जो है ना चिकन रख दी। तो ये बड़ा आसानी रहती है, और सुबह सुबह टाइम भी बहुत कम होता है, शॉर्ट टाइम होता है बहुत ज़्यादा। तो कोशिश ये होती है कि कोई ऐसा काम, कोई ऐसा लंच तैयार करें कि जल्दी भी बन जाए और बच्चों को देर भी ना हो, और मज़े का भी हो जो बच्चे शौक से खा लें। तो मैं हमेशा वो चीज़ बना के इन लोगों को देती हूँ बच्चों को, ताकि वो शौक से खा। जल्दी से पैक हैंग करो फटाफट, जल्दी शाबाश तैयार हो, लंच बॉक्स रख लिया। सलाम करें, चलो पानी की बॉटल कॉलर से ही करो अपना, जल्दी से जल्दी से आ जाओ, फटाफट टाइम नहीं है। और यहाँ बैठे हुए हैं खजर साहब, अभी इनके जाने के बाद खजर की तैयारी होगी, और यहाँ पर हम तैयार हो गए। खजर सलाम करें, फिर तैयार होने के बाद आपको दिखाएंगे, सही है? चलो बेटा लाए, ऐसे ऐसे बैग हैंग नहीं करते, ये मुझे पकड़ाओ। चलो अब पहनो बैग ऐसे, पाउच रेडी है ना जी। सब चीज़ें ये लो, चलो जल्दी फटाफट। अल्लाह हाफिज़, दुआ पढ़ो। अल्लाह हाफिज़। का लंच बॉक्स हो गया है तैयार, और यहाँ पर पानी की बोतल भी तैयार है, मैंने इनका रोल बना दिया है अंदर, और खिजर यहाँ पर जो है वो तैयार हो रहे हैं। आज तो खिजर ख़ुद तैयार हुए हैं भाई, मम्मा काम में लगी हुई थी, और ये खिजर का बैग है। बस माशाल्लाह खिजर हो गए हैं तैयार, और ये देखें इनका थर्मोस, कितना अच्छे लग रहे हैं खिजर ना। अस्सलाम वालेकुम करें। वालेकुम सलाम। चलो अब आप रेडी हो गए बिल्कुल, अब आप जाएँ, सही है? पहले कौन सी दुआ पढ़ते हैं? जल्दी से शाबाश जी। बिस्मिल्लाह शाबाश। चलो अल्लाह हाफिज़, सलाम करें जोर से। अस्सलाम वालेकुम। Approximately 10 hours later. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ हैं बाकी सब लोग? आ रहे हैं। चलो बैठो आप यहाँ पर, थक गए? ठीक है, बहुत थक गए। अच्छा, बैग ज़्यादा भारी हो रहे हैं ना तुम लोग के आजकल, बहुत भारी हो रहे हैं, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा हो रहा है जी। कब से निकले हुए हैं? 1:30 बजे के, और देखो 2:30 बजे होती है, अभी 2:30 बजे 2:30 बजे घर आए हैं। बताओ देखो ना ये लोग, इतना ट्रैफिक हो रहा है। बाइक पर आते हैं। वालेकुम, खिजू आ गया हमारा, खिजू बेटा आ गया। आओ अंदर आओ। वालेकुम सलाम। खिजर सलाम, जोर जोर से आवाज़ नहीं आई। वालेकुम सलाम, ऐसे ही बोलते हो ना आप? आपका बैग कहाँ है? अब बोलो ना आपका बैग कहाँ है? मेरा है? और खजर का? अच्छा खजर का ये रहा। चल अब बताओ आप क्या बोल रहे थे, छोटे भाई की शिकायत आई है। हाँ जी 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 अच्छा हाँ हाँ जी, थोड़ी आवाज़ निकाल लो ना, जोर से बोलो। हाँ कभी भी नहीं बताते, बातें करते रहते पढ़ते नहीं है। अच्छा ये शिकायत आई है स्कूल से आज, टीचर ने आपसे करी है? आप बड़े भाई हो ना इनके, है ना, इसीलिए तो इसीलिए तो आपसे बोला है ना उन्होंने, है ना भाई, फिजर से बोला है। आपकी तो कोई शिकायत नहीं है? नहीं। बस सही है, बाबू रहांगी जो ना खैरियत नहीं है, सही है, इसकी शिकायत आ गई है पहली।
फिर मम्मा मम्मा फिर क्या जब शिकायत आती है स्कूल से फिर मम्मा क्या करती हैं? बहुत बुरी तरह है ना, कैसे करती हैं फिर मम्मा? आज छोटे भाई की खैरियत नहीं है, सही है। अच्छा ये बताओ तुम लोगों ने रोल खाया? नहीं, मुझे ना था। क्यों पूरा नहीं फिनिश करा? क्यों? हाँ तो तुम्हें तो मम्मा खिलाती हैं बैठ के, अब आज तुमने अकेले खाया है ना, मम्मा खिलाती हैं बाबा खिलाते हैं, और तुम लोगों ने पूरा फिनिश कर लिया था। कैसा बना था? दो मिनट के अंदर खाया। दो मिनट के अंदर? अच्छा रिहर्सल हो रहा। हाँ वो मिस को बता दिया तुम लोगों ने क्या? इसकी शेरवानी का, ब्लैक वाली शेरवानी का, वो जो कल उनका मैसेज आया था, अरे मुझे कलवाया था। हाँ खजर भूल गया, देखो जरा खजर को मैंने कहा भी था, देखो नंबर। चलो अब बाद में बताना, कल बताना नंबर उनको, सही है, कल ये वाला काम करना। चलो तुम लोग की रिहर्सल हो गई? इन लोग स्कूल में है इंडिपेंडेंस डे, किस दिन है? 18 हाँ थर्सडे को उनकी जो ना, तो इसलिए तैयारियाँ चल रही हैं आजकल। देखो 18 को कर दिया, तो चलें फिर हम आपको दिखाएंगे कि तैयारियाँ इनकी किस तरह चल रही है। अभी करते हैं नाश्ता और सबसे पहले करते हैं नमाज, फिर हम आपके पास नाश्ता जाकर नमाज शुरू करो जल्दी। अबू रहान एक मिनट में आ जाओ फटाफट। ये देखिए माशाल्लाह यहाँ पर इब्राहिम नमाज़ पढ़ रहे हैं स्कूल से आके, जहर की नमाज़ हो रही है, और आज बहुत लेट हो गए खाने में हम लोग, 2:30 बज रहे हैं। अब बोला बेटा फटाफट जल्दी से जाओ। वालेकुम सलाम, जल्दी से बेटा नमाज़ शुरू करो, टाइम नहीं कार सब आने वाले, मैं जल्दी से फटाफट नाश्ता रेडी कर लूँ, सही है। मम्मा आज आप क्या बना रही है? बहुत ज़्यादा भूख लग रही है आज। वालेकुम सलाम। हाँ तो टाइम ज़्यादा हो गया ना आज। ये बना रही मैं आलू के कबाब, सॉरी आलू के पराठे। तो बस अभी बस मैंने आलू बॉयल करने, गर्म हो रहे हैं फटाफट जो है ना, वो मैंने कहा चलो आज बारिश के मज़े लेते हैं, बारिश भी हो रही है। हाँ बारिश हो रही थी जब हम लोग स्कूल में थे ना, तब भी इतनी तेज़ बारिश हुई थी। हाँ बहुत तेज़ हो रही है सुबह से आज बारिश। तो बस अभी फटाफट ये हो गए तैयार, अब मैं बनाना शुरू कर रही हूँ मसाले डाल के, फिर हम लोग दिखाते हैं पराठे बनाते हैं। चलो गाइस ये आलू का सालन है और ये अचार है, ये चटनी है, तो चलें देखते हैं मम्मा ने आलू के पराठे कितने बनाए। तो देखें गाइस मम्मा ने कितने सारे आलू के पराठे बना लिए, ये देखें कितने सारे नहीं, बस अभी एक बनाया है, ये दूसरा बन रहा है। देखिए फुल क्रिस्पी पराठे हमारे यहाँ बनते जा रहे हैं, ये वाला पराठा फिर का पराठा है छोटा ही वाला, और बस अभी जो है ना दस्तरखान लगाओ अब जा करके, और बस खाना शुरू करते हैं। बनाती रहूँगी गरम गरम, फिर आप लोग खाते रहना, सही है। सही है, ये वाला इतना मज़े वाला लग रहा है। अभी मैं आपको वाला और टेस्ट से बना दूँगी। जी सही है, देखो खजर का बन गया तैयार। ये देखिए भाई हमारा नाश्ता यहाँ पर हो रहा है, कैसे लगे पराठे भाई? कैसे बने अबू रहान? मज़े के बने ना खजर? कैसे बने? एंड लेवल। आज बने का, चलो बारिश का मौसम हो रहा है, फटाफट जो है आलू के पराठे बना देते हैं बरसात के। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मम्मा ने ना मेरे लिए ना आलू के पराठे बनाए थे, देखें गीता से करने वाले। जी तो देखिए यहाँ पर काम मेरा हो गया है ख़त्म, बच्चे जो है अभी इस पर सो रहे हैं कमरे में, मैंने कमरा बंद किया हुआ है, और उसकी देर में मैंने अपने घर के तमाम काम निपटा लिए हैं। माशाल्लाह मेरा घर ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है, सारा काम मेरा ख़त्म हो चुके हैं, और अब बारी है मेरे किचन की। तो चले हाँ मैं किचन में लेके चलती हूँ आपको, और दिखाती हूँ मैं आज क्या बना रही हूँ। जी तो ये चने हैं और ये खशखश है, इसको देख के आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि आज हमारे घर बन रहे हैं कोफ्ते।
तो काफ़ी दिनों बाद आज कोफ्ते बन रहे हैं और बस मैं अभी तैयारी मैंने यहाँ शुरू कर दी है। ये चने मैंने निकाल लिए हैं, खशखश मैंने भिगो दी है। अब इन दोनों चीज़ों को मैं ग्राइंड करूँगी अच्छे से, बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लूँगी। उसके बाद फिर मैं आगे क्या करती हूँ ये आप लोग ज़रूर देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जी तो आपने देखा यहाँ पर मैंने कोफ्ते बनाने की तैयारी जो है वो शुरू कर दी है और आज हमारे घर बन रहे कोफ्ते और बहुत दिनों बाद आज मैंने कोफ्ते जो है वो बना रही हूँ। और यहाँ मसाला जो है मैं तैयार कर रही हूँ, प्याज ब्राउन कर रही हूँ और ये हरा मसाला जो है वो तमाम जो है मैं यहाँ पर ग्राइंड कर रही हूँ, चॉप करना है यहाँ पर मुझे। तो ये बड़े ज़बरदस्त जो है कोफ्ते आगे आप देखिएगा ज़रूर, आखिर तक जो है ना आप लोगों ने देखना है ये वाला मेरा ब्लॉग। और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ जो है ना वो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हाँ जी तो देखिए यहाँ पर मैंने प्याज ब्राउन जो करी थी वो दही में मैंने डाल दी है, बस अब इसको जो है ना मुझे ग्राइंड करना है और ये मैं अभी ग्राइंड करती हूँ ये वाला। और ये कीमा भी मैंने यहाँ पर ग्राइंड कर लिया है, हल्का सा मशीन चला दिया है। और यहाँ पर मैंने हरा धनिया, हरी मिर्ची और प्याज जो है वो चॉप कर लिया है। अब बस कीमे में डाल के उसको अच्छा सा जो है ना वो ब्लेंड करना है, मिक्स करना है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं। बच्चे यहाँ पर माशाल्लाह उठ गए थे सो करके और बस अभी इनका ट्यूशन शुरू हो गया है यहाँ पर, तो बढ़ रहे हैं यहाँ पर। खजर साहब भी, बेटा आपको मैंने 100 मरतबा बोला है टेबल यूज़ करने के लिए, क्यों नहीं लेते आप लोग, किस लिए ला के रखी हैं टेबलें हैं। यहाँ पर खजर देखिए इतना प्यारा प्यारा काम कर रहे हैं खजर, ये मैं आपको दिखाती हूँ खजर इतना प्यारा प्यारा काम कर रहे हैं यहाँ पर, ये देखें। और अब माशाल्लाह ख़ुद काम करते हैं बैठ के, इनको लिखवाना नहीं पड़ता। खजर पेंसिल सही, ये देखिए माशाल्लाह काम कर रहे हैं ये। और बस इनका ट्यूशन यहाँ पर शुरू हो चुका है, पढ़ रहे हैं बच्चे यहाँ पर। मैं किचन में अपना खाना बना रही हूँ और बस साथ साथ इनको देखती भी रहती हूँ। हाँ जी कितना हुआ डायरी, कितनी हुई शुरू करी अभी, अब रन आपका सही। आपका जो आज खाली एक ही होमवर्क मिला है ना बस, चलो ठीक है बस कंप्लीट। हाँ ये वाला भी है, कंप्लीट करो इसको। तो बच्चे यहाँ पर अपना ट्यूशन पढ़ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद उनको पढ़ाती हूँ ट्यूशन भी और साथ साथ मैं अपने घर के तमाम काम भी देख रही होती हूँ। और यहाँ पर मैं जो है कोफ्ते बनाने की तैयारी मेरी हो रही है, यहाँ पर बड़े मज़े के ज़बरदस्त कोफ्ते यहाँ पर जो है वो तैयारी पर है मेरे। और मसाला जो है यहाँ पर बुन रहा है, मैं यहाँ पर उसके मसाला भी एक तरफ ग्रेवी तैयार कर रही हूँ, दूसरी तरफ जो है मैं मशीन में इसको चॉप कर रही हूँ तमाम मसाले कीमा वगैरह। तो यहाँ पर देखें कोफ्ते बड़े ज़बरदस्त से बन रहे हैं, फैसल साहब की फरमाइश थी बहुत दिनों से, उन्होंने करी हुई थी कि कोफ्ते बनाने हैं, तो मैंने कहा चलें, बस टाइम ही नहीं मिल पा रहा था मुझे बिल्कुल भी, तो मैंने कहा बस कोफ्ते भी यहाँ पर मेरे बनते जा रहे हैं। और साथ साथ मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि बच्चों के मामले के हवाले से ना बच्चों की टाइमिंग ऐसी जो है ना वो फिक्स करनी चाहिए शुरू से, जब छोटी एज में होते हैं बच्चे ग्रोइंग इन एज होती है, तो शुरू से बच्चों को इस टाइम से लेके चलें कि हमें जो है ना आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चों को मैंने शुरू से जो है ना वो किस टाइम उठना है, कब बैठना है, कब पढ़ना है, कब नमाज़ पढ़नी है, कब क्या करना है, तो ये शुरू से जो है ना वो मैंने उनको करा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे कोई परेशानी नहीं होती, तो मैं किसी दिन अपने जो है एक व्लॉग बनाऊंगी इसके ऊपर और अपनी डिटेल में अपनी पूरी शेयरिंग करूँगी कि मैंने किस तरह बच्चों को जो है ना वो मैं शुरू से लेके चल रही हूँ और क्या क्या मैंने सफल किया है, क्या क्या प्रॉब्लम आई है ज़िंदगी में और क्या क्या आसानियाँ हुई हैं, ये सब मैं आपसे किसी दिन जो है ना नेक्स्ट व्लॉग में किसी दिन शेयर करूँगी। तो यहाँ पर देखें कोफ्ते हो गए हैं मेरे बड़े ज़बरदस्त से, मलाई कोफ्ते तैयार हो गए हैं बातों बातों में। और बस ये देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर यहाँ पर आ चुका है और इतने मज़े के बने थे कोफ्ते। तो बस यहाँ रातें खाने की तैयारी बस हो रही है और साथ में जो है ना वो रोटियाँ भी मैंने बना चुकी थी यहाँ पर, और बस अभी शाम की खाना जो है मैंने तकरीबन यहाँ पर ऑलमोस्ट डन है। तो वीडियो अच्छी लगी तो यहाँ पर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना है आप लोगों ने। और कोफ्ते की रेसिपी अगर किसी को चाहिए हो डिटेल में तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और यहाँ पर देखें मेरे ज़बरदस्त खाना हो गया है तैयार और बस फिर रात के खाने के बाद फिर हम लोग जो है वो ईशा की नमाज होती है इन लोगों की बच्चों की और फिर उसके बाद सोचे मत सब्सक्राइब कीजिए।